हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए आलू और सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होप आप लोगों को पसंद आएगा। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से ये बन के रेडी हो जाता है। अगर आप सावन में नॉनवेज खाना मिस कर रहे हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर घर पर बनाकर ट्राई करें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक अनियन और एक टमाटो को मोटा मोटा काट लिया है। देन चार पांच लहसुन को छील के ले लेंगे एंड आलू को कट कर लेंगे और सोया बरी को वॉश करके अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब यहाँ पे बेसिक पाउडर मसाले लेंगे, वही रेड चिल्ली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, काली मिर्च का पाउडर एंड कोरिएंडर का पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। अब हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बे लीफ एंड थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स डालकर एक मिनट तक सॉटे करेंगे एंड चार पांच लौंग को भी ऐड कर देंगे। एक सूखी लाल मिर्च को भी ऐड करेंगे। जब जीरा और मिर्च तो चटक जाए तो हम यहाँ पे इलायची को खोल के ऐड करेंगे ताकि जो इलायची का फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए एंड चार पांच लौंग को ऐड करके अच्छे से एक मिनट तक सॉटे करना है। देन यहाँ पे हम अनियन को ऐड कर देंगे। अनियन को ज़्यादा भूनना नहीं, अनियन टमाटो को बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम लोग अनियन और टमाटो को भून लेंगे। देन हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और एक ध्यान रखिए गाइस कि जब हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो हमारा अनियन और टमाटो ठंडा हो जाए तब हम लोग ग्राइंड करेंगे, वरना ये जो मिक्सर में जाते मिक्सर ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ठंडा करके हमें ग्राइंड करना है। तो जब तक अनियन और टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे एंड इसी बीच में हम लहसुन की कलियों को भी डाल देंगे। हाई फ्लेम पे बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे भून लेंगे। भून के इसे ग्राइंड कर लेना है। बहुत सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स। अब हम इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन द मीनवाइल यहाँ पे हम आलू को भून लेंगे। आलू जब भून जाए हमारे तो फिर सेम ऑयल में हम यहाँ पे सोया बरी को भी भून लेंगे। सोया बरी को मैंने वॉश करके अच्छे से निचोड़ लिया है, देन मैं इसे भून रही हूँ। अब हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे एंड एक चम्मच ऑयल फिर से लेंगे। उसके बाद जितने भी पाउडर सूखे मसाले हैं ना उसको ऐड करके एक मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। जब ये भी भून जाए तो ग्राइंड किए हुए अनियन टमाटो एंड गार्लिक को हम ऐड कर देंगे इसी मसाले में। और मसाले को अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। अगर हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो मसाले बिल्कुल जलने लगेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को भूनना है। जब मसाले से तेल छूटने लगे इसका मतलब मसाला हमारा भून गया है। तो फिर हम यहाँ पे फ्राई किए हुए पोटैटो एंड सोया बरी को ऐड करके अच्छे से भून लेंगे 10-5 मिनट तक कवर करके। जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम यहाँ पे वाटर ऐड करके कवर कर देंगे एंड इसी टाइम पे हम यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। 10 मिनट तक बॉईल करेंगे तब तक हमारे आलू भी पक जाएंगे। आलू हमारे जब कुक हो जाएंगे तो सब्ज़ी हमारा बन के रेडी हो जाएगा एंड ये सब्ज़ी इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी होता है ना कि जो लोग सोया बरी की सब्ज़ी खाना नहीं भी पसंद करते उन्हें भी इस तरह से बनाकर आप दोगे ना तो वो उन्हें अच्छा लगेगा खाना। सब्जी हमारा बनके रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।